मैं अभी कल वापस आया हूँ हिमाचल से और मैं आया था घर पे। मुझे एकदम से पता चला कि मेरे एक बड़े भैया हैं, उनकी मैरिज है जम्मू में। मुझे मेरे दो बड़े भाई उठा कर ले आए ऐसे ही कि चल शादी पे जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे पता चला कि जम्मू जाना है और रास्ते में पूरा पंजाब घूमना है, मैं अमृतसर आएगा, पठानकोट आएगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं जा ही रहा हूँ तो एक व्लॉग शूट कर लेता हूँ। अभी पंजाब आके मेरे पास कुछ था नहीं करने को, तो अभी फिर से मुझे काम मिल गया है तो और मैं आपको बहुत प्यारी जगह दिखाने वाला हूँ। मैंने भी पहली बार देखी है पंजाब में रह के, भी मैंने ये वाली हवेली नहीं देखी। दिल्ली वाली देख चुका हूँ और चंडीगढ़ वाली देख चुका हूँ, पर ये जो अमृतसर की हवेली है बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको डायरेक्ट बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट्स दिखाने वाला हूँ और मैं दिखाऊँगा कि पंजाब की शादी कैसी होती है। जुगाड़ लगा लगा के कुछ बनाया गया है मुझे भी। मैं पंजाबी बोलता हूँ, मैं कोई झूठ बोलिया, फैशना दी पट्टी मेरी आँखों ने कुआड़े पाए और पंजाबी फुला वर्गी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ हूँ, खाने की जगह है और यहाँ पे ट्रक वरक सब लगा है। मैं तो ट्रक में खाऊँगा, आप ट्रक में ऑर्डर मंगाते हो। और ये पंजाबी गड्ढा है, इस पर पुराने टाइम में सामान ऐसे लेके जाया जाता था, लोग बैठा करते थे। काफ़ी सुंदर है, इसे को बड़ा अच्छा लग रहा है। सब में ऐसे रेडी हो गए हैं क्योंकि शादी का माहौल है और मैं आपको दिखाता हूँ हम दोनों ने क्या डाला है। ये गोवा बीच वाले कपड़े, तो ये हवेली वाले देख रहे हैं इनको अंदर किसने आने। बट अगर आप गलती से अमृतसर आ जाओ ना तो प्लीज़ ये हवेली मस्ट विजिट प्लेस है। मैं सारा घूम चुका हूँ, सारी वीडियो भी बना लिए, अब हम खाना खा के देखेंगे कैसा है। हमने बटर नान खाए, मैंने दो खाए, बिरयानी डेढ़ खाया और दाल खाई, पनीर खाया। और ये सब तो वो है, क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी। जो असली सुकून है ना ज़िंदगी का वो है ये। पुलिस वाले तो अभी ना हम जम्मू पहुंच चुके हैं और ना बेस्ट पार्ट ये हुआ कि अभी हमारी क्या गजब की एंट्री हुई है। अभी हम जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो मस्त पुलिस वाले ऐसे हमारे आगे रुक जाते हैं, तो लगा पूछेंगे आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ। तो अभी ना जस्ट रूम पे पहुंचे हम और क्या मस्त रूम है, क्या मस्त होटल है। अभी मस्त चाय पी है, नहीं वैसे मस्त नहीं थी। तो ये हमारा रूम है जो कि काफ़ी अच्छे से सेटल्ड है। तो मुझे पहले तो इसको बिखेरने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ मैं वर्ल्ड कप का मैच देख सकता हूँ। ये मेरे बड़े भी हैं जिनकी मैरिज आज, और अच्छा है, सब अच्छा है। ये फ़ोन है, इसको घुमाओ, फ़ोन कर सकते हैं। ये मेरा गरीबों वाला चार्जर जो कि एक दो दिन में चेंज होने वाला है, मैं नया फ़ोन ले रहा हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास दो रूम है, मतलब हमारे पास दो रूम है। तो ये सब नवदीप ब्याह की बदौलत है। ये मेरा रूम था, यहाँ पे ए सी शायद, और महंगे जगह का ना बाथरूम, क्या बात है, मस्त बाथरूम है। अच्छा है, सब अच्छा है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको, अबे यार मैं बाहर लॉक हो गया हूँ क्योंकि कार्ड में अंदर भूल गया था। देखता हूँ मैं कहाँ से निकलूँगा। यहाँ भी फंस गया, मैं वहाँ भी फंस गया। ओपन करके जा रहा था, ये बंद मत करना, ठीक है। तो मैं दोनों जगह फंस गया था अभी, तो फाइनली मैं वापस आया हूँ। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ,
सबसे बुरी बात क्या है, एक तो मैं पहले ही ग्रूम नहीं हूँ, ऊपर से एक नया पिंपल मेरी ज़िंदगी में आ गया है। जब से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया ना, मुझे आदत पड़ गया है बिना किसी प्रिपरेशन के, कपड़ों के, कहीं भी चला जाता हूँ। तो आज शादी है, मुझे सुबह पता चला कि हम सच में शादी पर जा रहे हैं। कल तक मुझे मजाक लग रहा था, मुझे लगा मेरे ही वहाँ पे लोकल है, और मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, जम्मू आ चुका हूँ अपने घर से। 3-4 दिन से मैं लगातार बस में हूँ और मुझे सजेस हो रहा है। अभी मैं जब चाय पी रहा था तब मुझे समझ आने लगा कि मुझे रेस्ट चाहिए थोड़ा। तो अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या पहनने वाला हूँ, क्या है मेरे पास, कोई कपड़े नहीं है, सब मैला था, मम्मा ने रात में धोया। मैं थोड़ा बैठूँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा, अच्छे से बाल सेट करूँगा, अंकित से कुछ कपड़े लेके आऊँ, वो पहनूँगा। हेलो, तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, बड़ा अच्छा फील हो रहा है नहा धोकर, एकदम बाबू शाबू बच्चा बनकर। थैंक्स टू अंकित फॉर दिस क्लोथ्स। और मैं ना अभी जाके देखता हूँ कि शादी में क्या सीन है, हो सकता है मैं गिटार प्ले करूँ तो मस्त मज़ा आने वाला। चलते हैं फिर सिंपल शादी इन्जॉय करते हैं, दिखाता हूँ मैं कैसी हमारी पंजाबी वेडिंग होती है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जम्मू में शादी हो रही है, ठीक है, तो पंजाब के लोग, जम्मू के लोग मिक्स हो रहे हैं। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अभी मैं जब आया था मैंने देखा कैसे लोग घुल मिल रहे थे जस्ट धीरे धीरे। अब जाके देखता हूँ मैं क्या माहौल है। ओके भाई, सीधा मिलते हैं वहाँ पर। ओ भाई लोग मस्त खा पी रहे हैं, चल रहे हैं सब, ये सब मेरे हैं, सब मेरे। जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुमने ना साथ मेरा हमनवा। एक तो मैं जब नहाया होता हूँ, मैं नहाया हुआ लगता नहीं, पता नहीं क्या पन्ना मेरे साथ। मैं मस्त नहा धो के रहा, सुबह गुरुद्वारे आने की रेडी हुए, देखो सेक्सी लग रहा है एकदम। और ये कल वाली जैकेट है, मुझे पता है आप यही सोच रहे हो। मेरे को इतनी खुशी है ना, बताओ क्या। एक तो जम्मू में पंजाबियों की शादी, ऊपर से पंजाबी बेचारे फ्री में बदनाम है, दारू, गाने और ये सब, ये सब। और मैंने कल शादी देखी, मैं इतना खुश हूँ, इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे, इतना सिंपल था सब कुछ, बिना शोर के, बिना दारू के, बिना फालतू किसी बात के। तो अभी ये जो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको लोग में दिखाया ना, ये शादी थी, इतनी सिंपल। और अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं गुरुद्वारे, गुरु के द्वार, वहाँ जाकर थोड़ा पूजा वो सब करेंगे, वहीं पे शादी हो जाएगी, वहीं से घर चले जाएंगे। कितना सिंपल है, पता लोग इतना शोर शराबा, फालतू पैसा खर्चा के वो सब करते हैं। तो मैं भी जाता हूँ मेरी जब शादी हो, मतलब हंस रहे हो, मुझे पता है मुझे कोई लड़की नहीं देने वाला, बट फिर भी जब मेरी शादी हो मैं चाहता हूँ इससे भी सिंपल हो, ऐसी ही हो, सबको ऐसा करना चाहिए। और पंजाबी फ्री में बदनाम नहीं होने चाहिए। अब देख लो, तुम देख लो, हम पंजाबी लोगों ने कितने प्यार से शादी करी है। इतना स्मार्ट लग रहे हैं मेरे भैया इनकी, ये आज लग रहे हैं दूल्हा, आज मेरे को फील आ रही है इनके साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कहते हैं ना भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, मुझे भी कुछ दिया छप्पड़ नहीं है। तो ये सबको मिला है, ऐसा मत समझना मेरी शक्ल देख के वो तरस खा के दिया है, ये भैया की वजह से सबको एक बहुत प्यारा सा शगुन मिला है। और इसके अंदर है, कहाँ गया ये, हाँ, और इसके अंदर है ये गिलास जिसके अंदर मैं रोज सुबह उठ के चाय पीने वाला हूँ। तो भी एक रस्म हो रही है वरमाला टाइप, इसके बाद हम जाने वाले हैं गुरुद्वारे जहाँ पे आनंद कार्य है, वहाँ पे सब फिर फाइनल हो जाएगा, अभी शगुन और वो सब चल रहा है, कुछ रस्म है ये शायद वरमाला। अभी ना इतना बढ़िया फील हो रहा है मुझे, काफ़ी इमोशनल हो चुका हूँ। मतलब कि मैं ना ये देख रहा हूँ आजकल, सोचता हूँ कभी कभी कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है,
वो सब कितना कूल एक्ट करके बोलते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, या फिर मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये शादी वाला कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं है। तो मैं अभी रियलाइज़ किया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, किसी इंसान के पेरेंट्स जो मेरे भी हैं, वो अबव 30 हैं, तो उनके पेरेंट्स हैं वो एजेड हैं थोड़े, तो उनको अभी कितना अच्छा फील हो रहा था मैंने उनकी आंखों में देखा, उनको मतलब अभी इतने सालों के सामने इमोशनल होते देखा। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि हमें एक चीज़ मिली है, लाइफ मिली है, हमें नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ पर्पस होता है लाइफ में। तो जो शादी है वो बहुत प्यारी चीज़ है, और पता नहीं क्यों उसको ख़राब माना जाता है, और ऐसे बोला जाता है कि शादी अच्छा नहीं है, लोग खुश नहीं रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस मेरे माँ बाप की वजह से है, तुम जो देख रहे हो तुम्हारी भी, हर एक इंसान की एग्जिस्टेंस है, और हर चीज़ के कुछ फ्लोज होते हैं, कुछ अच्छा होता है। तो जो शादी है वो इतनी प्योर चीज़ है, उसको अभी मैंने रियलाइज़ किया कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी का साथ में होना, और कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पेरेंट्स को वो चीज़ दे पानी जो उन्होंने पूरी लाइफ हमें वो चीज़ के लिए बड़ा किया है, जो वो मरने से पहले देखना चाहते हैं। फाइनली मैं गुरुद्वारे पहुंच गए हैं हम सब, तो अभी एंट्री करने वाले हैं। मैं हैंकी लाना भूल गया हूँ एज यूजुअल, पता नहीं मैं इतना केयरलेस क्यों हूँ, बट कोई बात नहीं, मिल जाएगा। मैं ना इतना पॉजिटिव हूँ, मेरे को हर चीज़ में ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं हो जाएगा। अभी मैं हैंकी भूल गया था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। तो उसमें अच्छा क्या हुआ पता है, मेरे मैचिंग का ही मिल गया, और मैं इतना सही लग रहा हूँ ना, मुझे क्या मज़ा आ रहा है। ताकि अभी लोगों को पता नहीं है बोलना चाहिए या नहीं, तो शादी ख़त्म हो चुकी है, सब से मिल रहे हैं, कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं सब, अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। शादी हो गई, हम वापस जा रहे हैं होटल, फोन से उठ कर आए हैं, लाउड म्यूजिक चल रहा है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं इतना सुकून हूँ। अभी सब एकदम ऐसे स्लो हो चुका है, सब स्लो हो चुका है, शादी हो चुकी है, सब कंप्लीट हो चुका है, सारी रस्में सब कुछ, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से देखी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं बहुत सालों से गुरुद्वारे जा रहा था, बट आज मैंने पहली बार एक एक चीज़ सुनी जो उन्होंने बताई, और वो बड़ा अच्छा लगा कि हमें को समझ आया कि गुरुद्वारे जाके सिर्फ बैठना होता नहीं है, माथा टेकना नहीं होता, सुनना भी होता है। तो लास्ट रस्म रह गई है पूरी, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, डोली वाला सीन रह गया है जो देखना थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टफ कर ये।